चलिए जनरल मीटिंग का अगला एमसीक्यू लेते हैं, केस सिनेरियो वाला। दोरा पोर्ट कंपनी लिमिटेड है, ये एक जॉइंट वेंचर है, अट्टा स्टील लिमिटेड और बीएनटी लिमिटेड, मतलब दो कंपनी ने मिलकर एक जॉइंट वेंचर में एक कंपनी बनाया। ओके, इसका पेड अप कैपिटल है 1500 करोड़, नंबर ऑफ मेंबर है 8500। ओके, इसके मेजोरिटी शेयर 80% ये दोनों कंपनियों के पास है, जॉइंट कंपनी मतलब ये अट्टा स्टील और बीएनटी, 80% शेयर इस कंपनी का इंदौर के पास है। आगे बढ़ते हैं, कंपनी ने फिफ्थ एजीएम अपनी कंडक्ट किया 29 मई को 11 बजे का टाइम है और रजिस्टर्ड ऑफिस में कॉल किया। ठीक है, फॉलोइंग मेंबर्स वर प्रेजेंट, मेंबर कौन कौन है देखो। अब देखो ये पक्की बात है कि कोरम की बात हो रही है, जब कोरम की बात होती है तो सबसे पहले दिमाग में कुछ बातें आ जाना चाहिए, कंपनी में मेंबर कितने, 8500। तो अगर 5000 से ज्यादा मेंबर होते हैं तो कोरम होता है 30 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट। ठीक है, तो इसको दिमाग में रख के हम लोग बात करते हैं। पहला बोला मिस्टर ए आया, ये अट्टा लिमिटेड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अगर एक बॉडी कॉर्पोरेट कोई कंपनी के मेंबर है तो उसका जो रिप्रेजेंटेटिव है वो जब मीटिंग में आता है तो उसको पर्सनली प्रेजेंट काउंट किया जाएगा, ऐसा माना जाएगा जैसे कंपनी खुद आई है, मतलब ये काउंट हो गया। मिस्टर बी, ये बीएनटी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको भी काउंट करेंगे। मिसेस सी, इसको भी काउंट करेंगे, इसके पास शेयर है, इसके पास भी शेयर है, ये भी काउंट हो गया। ई को भी काउंट करेंगे, इसके पास भी 1000 शेयर है। एफ प्रॉक्सी है, तो इसको काउंटिंग में नहीं लेते, मेंबर पर्सनली प्रेजेंट को लेते हैं, प्रॉक्सी को काउंटिंग में नहीं लेते। जी को काउंट किया जाएगा, 100 शेयर है। एच को काउंट किया जाएगा, 200 शेयर है। मतलब ये पूरे पढ़ने के बाद में कितने हो गए, टोटल मीटिंग में 7 लोग आए, जबकि देखो कोरम कितने का होना चाहिए, 30 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट। अच्छा, लॉ में क्या लिखा था, लॉ में प्रोविजन है कि जो कोरम है ना वो जब मीटिंग का टाइम आपने फिक्स किया, जैसे इस एग्जाम्पल में 11 बजे, उससे आधे घंटे के अंदर कोरम प्रेजेंट होना चाहिए, मतलब 11:30 AM तक कोरम अगर आ गया तब तो मीटिंग आगे बढ़ेगी, और अगर आधे घंटे के अंदर कोरम नहीं आ पाया तो उस केस में लॉ में लिखा है कि द मीटिंग शैल बी एडजर्न टू द नेक्स्ट वीक सेम डे सेम टाइम सेम प्लेस और एनी द डे टाइम प्लेस एज द बोर्ड में डिसाइड, ये लॉ में लिखा हुआ है। चलो आगे बढ़ते हैं, भाई क्या लिखता है, एनदर 25 मेंबर, ओ हो हो, आगे 25 मेंबर के बारे में और बात कर रहे हैं, इन सबके पास 500 शेयर, मतलब ये मेंबर है। ओके, रिपोर्टेड टू द कंपनी 11:45 AM, ओ माय गॉड, 15 मिनट लेट हो गए दोस्तों, 11:30 तक इनको आना चाहिए था, ये कब आए, 11:45 को, देयर वाज हैवी ट्रैफिक कंजेशन, बहुत ट्रैफिक था। अरे भैया ट्रैफिक हो, बाढ़ आए, तूफान आए, कुछ भी आए, आपको मीटिंग में 11:30 तक पहुंचना पड़ेगा, कोई लॉजिक कोई रीजन कोई कॉज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो कुल मिला के ये भले आए लेकिन उनका प्रेजेंट नहीं माना जाएगा, कुल मिला के हमको समझ आ गया कि कोरम इज नॉट प्रेजेंट विद इन हाफ एन आवर। ओके चलो, अब क्या हुआ, कंपनी का सेक्रेटरी है, उसने 11 बजे मीटिंग चालू कर दी, अरे मीटिंग तो चालू होने नहीं चाहिए था, कोरम ही नहीं हो पाया। चलो एज पर शेड्यूल टाइम, बिकॉज देर वर 5 मेंबर पर्सनल प्रेजेंट, वो सेक्रेटरी को क्या लग रहा है कि कोरम तो 5 लोग का होता है, अरे 5 का होता है लेकिन कब होता है, अगर उस कंपनी में 1000 मेंबर तक हैं तब 5 का कोरम होता है, यहां तो 8500 है, मतलब 5000 से ज्यादा तो 30 का कोरम होगा, तो ये सेक्रेटरी को लॉजिक उसको ज्ञान नहीं लग रहा है। अदर देन रिप्रेजेंटेटिव कॉर्पोरेट एंड प्रॉक्सी, ये बोलता है प्रॉक्सी और उनके अलावा 5 लोग का कोरम होता है, एकदम गलत है। आगे बढ़ता हूं, एंड द मिनिमम कोरम ऑलरेडी अवेलेबल, और बोला मिनिमम कोरम तो हमारा हो गया तो हमने मीटिंग स्टार्ट कर दिया। अब लेकिन उसने चेयरमैन को रिक्वेस्ट किया कि चेयरमैन थोड़ा हल्ले हल्ले टू गो स्लोली ऑन द एजेंडा, एजेंडा थोड़ा धीरे धीरे चलाओ, क्योंकि वो जो 25 मेंबर जो ट्रैफिक जाम में था ना, उनका मैसेज मिला, टेक्स्ट मैसेज मिला कि हम लोग आ रहे हैं भैया, मीटिंग को धीरे धीरे चलाओ, हम लोग ज्वाइन करने वाले हैं। अच्छा, ऐसा कोई लॉ में प्रोविजन है क्या, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि धीरे धीरे चलाओ, उनकी बात माना जाएगा, चेयरमैन अपने हिसाब से डिसाइड करता है, और कोरम होना चाहिए ना, कोरम है ही नहीं, मतलब मीटिंग तो हो ही नहीं सकती। आगे, रेस्ट ऑफ द मेंबर ज्वाइंड मेन एजेंडा डिस्कस, मतलब बाकी लोगों ने ज्वाइन किया, मैटर डिस्कस हो गए। अभी जो ऑडिटर है, मतलब अपन लोग की बात हो रही है, देखो सीएस ने तो गलत काम किया, ऑडिटर क्या कर रहे देख लेते हैं। इसने 11:55 का ऑब्जेक्शन किया, क्या ऑब्जेक्शन कर रहे है? कि कोरम जो है ना वो प्रेजेंट नहीं है। हाँ जी बेटा, अपन बिल्कुल सही है, अपने को मालूम है कोरम प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, तो हमारा ऑब्जेक्शन बिल्कुल सही है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, हेंस द मीटिंग शुड बी एडजर्न, क्या बात है, ऑडिटर साहब ने क्या बात की है कि मीटिंग को एडजर्न करो, कोरम नहीं है। आगे ही सेड, ऑडिटर और क्या बोल रहा है, दैट सिंस द मीटिंग स्टार्टेड लेट, कि मीटिंग स्टार्ट लेट हुई है, दो इट शुड बी एडजर्न टू 29 जून 2021, ये बोलता है 29 जून को मीटिंग एडजर्न होना चाहिए। देखो तो सही, मीटिंग कौन से दिन रखी गई है, एक बार देखो बेटा
ये मीटिंग हमने कब रखा है, डेट कहाँ गई, 29 मई। और ऑडिटर साहब, अरे रे रे भैया ऑडिटर साहब, ये तुमने क्या कर दिया, तुमने क्या बोला 29 जून को होना चाहिए, 29 मई की मीटिंग को तुम क्या रिकमेंड करो 29 जून को होना चाहिए। ठीक से पढ़ाई नहीं की बेटा तुमने, 1 महीने के बाद बोलते हो, जबकि लॉ में क्या लिखा है, 1 हफ्ते के बाद, नेक्स्ट वीक सेम डे सेम टाइम सेम प्लेस। तो ऑडिटर साहब यहाँ पे गड़बड़ हो गए, ये वही बात करें, एग्जैक्टली 1 मंथ उन्होंने बोला 1 महीने बाद होना चाहिए, ठीक है 11 AM एट सेम प्लेस, 11 बजे होना चाहिए, सही बोला सेम प्लेस से, सही बोला। अरे भैया 1 महीने की जगह 1 वीक बोलना था, यहाँ पे गड़बड़ हुई ऑडिटर साहब से। आइए अब ये केस सिनेरियो दिमाग में आ गया, आइए वन बाय वन क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहले आपको बोला कि कोरम के बारे में कुछ बात करनी है, कि कोरम है कि नहीं, तो सीधा आपको मालूम है कि कोरम तो नहीं है भैया, कोरम तो नहीं है। तो एक बार पढ़ते हैं क्या लिखा है, पहला बोलता है ऑप्शन क्या क्या लिखा है, कृपा राइटली असर्टेन द कोरम, उसने कोरम असेंट सही किया, बिल्कुल गलत है, 5 मेंबर का तो कोरम होता नहीं है। सेकंड नंबर क्या बोला, इन्होंने करेक्ट कोरम निकाला, क्योंकि 25 मेंबर ज्वाइन किए तो 30 हो गए, ये भी गलत है। अरे ज्वाइन कब किए, 11:45 को, तो ये भी गलत हो गया। तीसरा बोलता है कोरम प्रेजेंट है, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ शेयर, जिनके पास 80% शेयर है वो प्रेजेंट है। नहीं भैया, नंबर से मतलब है, संख्या से मतलब है, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, जो बोलता है कि कोरम असर्टेन नहीं हुआ, केवल 7 मेंबर आए तो कोरम नहीं होगा। एक्चुअली कोरम कितने का होगा यहाँ पे, 30 का। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट है, कैन मिस्टर एफ, एफ कौन था बेटा, प्रॉक्सी, मैंने लिख के रख दिया, ऊपर में लिखा हुआ है ये प्रॉक्सी है, क्या उसको कोरम में काउंट करेंगे, आंसर है नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। तो आंसर बी आ गया, नो ही कैन नॉट बी काउंटेड फॉर कोरम। अच्छा डी में भी क्या लिखा है, नो, इसको भी पढ़ लेते हैं, ही कैन नॉट बी काउंटेड एज ही इज अ प्रॉक्सी हु होल्ड ओनली 10 शेयर। अरे भैया 10 शेयर है, 1 शेयर है, 5 शेयर है, उससे कोई मतलब नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है कि आप प्रॉक्सी हो, तो प्रॉक्सी को कोरम में कभी काउंट नहीं करेंगे, चाहे आपके पास कितने भी शेयर हो। आगे ऑब्जेक्शन ऑफ ऑडिटर, जरा याद कीजिए, ऑडिटर ने दो बात की थी, एक सही एक गलत, एक बोला था एडजर्न करना है, बिल्कुल सही है, दूसरा दूसरा बोला था 1 महीने बाद एडजर्न करना है, गलत है, 1 हफ्ते के बाद एडजर्न होना चाहिए। तो मैं आपको डायरेक्ट आंसर में लेके चलता हूँ, तो ये क्या बोलता है भाई, क्या बोलता है, नो नो, पहला क्या बोलता है, पहला बोला यस ऑडिटर इज करेक्ट अबाउट द एडजमेंट ऑफ मीटिंग, ये तो बिल्कुल सही है, एडजमेंट के बारे में बिल्कुल सही बोल रहा है। उसके बाद बोलता है नो ऑडिटर इज नॉट करेक्ट अबाउट द एडजमेंट ऑफ द मीटिंग, एस द रिक्वायर्ड कोरम प्रेजेंट 24 ज्वाइन कर चुके हैं 11:45, ये तो बिल्कुल ही गलत है। अगला पॉइंट, यस ऑडिटर इज करेक्ट अबाउट द लैक ऑफ कोरम बट नॉट करेक्ट अबाउट द डे ऑफ होल्डिंग ऑफ एडजर्न मीटिंग, ये बिल्कुल सही है। देखो ये दोनों स्टेटमेंट को कवर कर रहा है, यहाँ पे सी नंबर में क्या बोला कि लैक ऑफ कोरम वाला जो लॉ है ना, वो तो ऑडिटर ने सही बोला कि कोरम नहीं है, लेकिन एडजर्नमेंट के बारे में उसकी जुबान फसल गई। ओके, तो डे ऑफ होल्डिंग जो है ना, वो उसका असाइनमेंट करेक्ट नहीं है। अच्छा चौथा भी पढ़ लो, यस ऑडिटर करेक्ट है अबाउट लैक ऑफ कोरम एज वेल एज एडजर्नमेंट, मतलब चौथे में क्या बोला, ऑडिटर दोनों बारों में सही है, दोनों बातों में सही नहीं था, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट है, इट वॉज ऑब्जर्व दैट, उसने जो चेयरमैन को बोला था ना, थोड़ा थोड़ा स्लो चलो स्लो चलो, क्योंकि 25 मेंबर ज्वाइन करने वाले हैं, तो इज दिस काइंड ऑफ प्रैक्टिस अलाउड, इस टाइप की प्रैक्टिस अलाउ है क्या, कि चेयरमैन रोक के रुक जाए कि भैया रुक जाओ। तो ऑप्शन देखते हैं क्या बोलता है, यस इट इज वेरी मच अलाउड, ऐसा अलाउड नहीं है। अरे 11:30 बज गई, आधे घंटे के अंदर कोरम होना चाहिए। तो देखो ये ऑप्शन डी देखो क्या लिखा, नो इट इज नॉट अलाउड एज द लॉ प्रोवाइड फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ कोरम विद इन हाफ एन आवर फ्रॉम द टाइम अपॉइंटेड फॉर होल्डिंग द मीटिंग, मतलब आधे घंटे की जो टाइम है ना, उसको आप बढ़ा नहीं सकते, कम नहीं कर सकते, क्योंकि लॉ में प्रोविजन है। ठीक है, तो इस वजह से ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट बिल्कुल सही नहीं है। अच्छा एक और पॉइंट इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, बी नंबर देखो, इट इज नेवर अलाउड सिंस देयर इज नो वैलिडिटी ऑफ मैसेज बीइंग सेंट एट द टाइम ऑफ मीटिंग, मतलब मीटिंग के समय मैसेज बिना अलाउड नहीं है, ये बोल रहा है बी नंबर, लेकिन ज्यादा बेटर क्या होगा डी, क्योंकि इसमें इन्होंने हाफ एन आवर की बात बोली है, ऊपर में क्या बोला मैसेज बिना अलाउड नहीं है, मैसेज छोड़ो, आपको ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि कोरम आधे घंटे के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए, और वो नहीं आए तो आपको मीटिंग चलाने का कोई अधिकार नहीं बनता। ओके,